के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवा बाग डेयरी कॉलोनी में हुई डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी। एसएसपी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा, मृतकों का भी है आपराधिक इतिहास। वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम के संविदा कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप करने की दी चेतावनी। सीएमओ ने कहा नो वर्क नो पे, लिखा पढ़ी और फाइनेंशियल डाटा वेबसाइट पर फीड करने में हो रही है दिक्कत। महिला आरक्षी रिक्रूट का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। पासिंग आउट परेड में शामिल हुई 246 महिला आरक्षी। एडीजी ने किया परेड का निरीक्षण, लिया मार्च पास्ट की सलामी, कहा देश और समाज को है पुलिस से काफी उम्मीदें, करें अपने कर्तव्य का पालन। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देकर मनाया जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती, कहा पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़कर अधिकार दिलाने का किया काम। 26वीं वाहिनी पीएससी रिक्रूट आरक्षी बैच 2018 का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। आईजी ने किया परेड का निरीक्षण, ली पासिंग आउट परेड की सलामी, दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पर जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी में सामूहिक बेटी जन्म उत्सव का किया गया आयोजन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने बालिकाओं को केक खिलाकर किया अभिवादन। गणतंत्र दिवस व कुंभ मेले के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी ने की सघन चेकिंग, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। गणतंत्र दिवस पर रोटरी क्लब और ऐशपरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम, क्लब के संयोजक ने दी जानकारी। भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान के अंतर्गत 17 फरवरी को होगी जनसभा, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। और मंडल स्तरीय स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गगहा ने भैरवपुर को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश।